हे गाइस, क्या आपको ऑफलाइन शॉपिंग अच्छा नहीं लगता? आप भी दूसरों की तरह ऑनलाइन से शॉपिंग करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और खोलने के बाद आपको सर्च बार में आपको जो भी प्रोडक्ट सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिए, जो भी ख़रीदना है उसको। और इसको सर्च करते करते नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। तो अभी हम इसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो इधर बहुत सी रिजल्ट दिखाई गई हैं, तो उसका MRP भी लिखा हुआ है। मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उस पर मैं टैप करूंगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, उस पर मैंने टैप कर दिया। तो इसका जो फ़ोटो है वो भी आपको बढ़ा करके दिखाया जाएगा और MRP वगैरह वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक साथ बाई करना चाहते हैं तो एड टू कार्ट कर सकते हैं और सीधा इधर यहाँ से बाई नाउ पे भी क्लिक करके सीधा खरीद सकते हैं। तो अभी मैं बैक चला जाता हूँ और जो मेरा माई कार्ट सेक्शन है होम पेज पे जाने के बाद उधर टैप करता हूँ, ठीक है। तो और इधर जो भी इतने प्रोडक्ट हैं सब भी मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा है, उसको एक साथ ऑर्डर करने के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। और मुझे अगर स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट चाहिए तो उस पर टैप करके फिर मैं उसको बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इधर एक सजेस्टेड दो प्रोडक्ट दिखा रहा है, आपको नहीं चाहिए तो आप कीप एंड कंटिन्यू पे टैप कर दीजिए और चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। और इधर आपको एड्रेस डालने के लिए कहेगा, अगर आपने अभी तक एड्रेस नहीं डाला तो आप फिर से एड्रेस डाल लीजिए। ये या आपने कोई गलत एड्रेस डाल दिया था पहले तो उसको एडिट भी आप कर सकते हैं या नया दूसरा और एक एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर मेरा नाम पता एड्रेस सब कुछ जो लैंडमार्क है वो सभी कुछ सिलेक्ट करके मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका जो MRP डिलीवरी चार्ज सब कुछ आपको दिखेगा। और उसके बाद देखने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो उसके बाद आपका जो पेमेंट सेक्शन है वो खुल जाएगा कि यहाँ से पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट करना है UPI और नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से, तो आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इधर मैंने ब्लर करके रखा है प्राइवेसी के कारण। और आप चाहे तो UPI या कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं, वो प्रोडक्ट पे निर्भर करता है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे डाल देना है और उसके बाद आपको एक कोड दिया जाएगा जिसको आपको रीराइट करना है, जिसको नीचे लिख के आपको सबमिट करना है। तो कॉन्फर्म ऑर्डर पे फिर क्लिक करते हैं। करने के बाद मेरा जो ऑर्डर है ये सक्सेसफुली दोस्तों हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा अगर आप सही ढंग से करते तो। और इसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस ऑर्डर से रिलेटेड। और इधर मैंने ब्लर करके रखा है क्योंकि ये मेरा एड्रेस है प्राइवेसी के कारण। अगर आप अपने जो ऑर्डर दिया है उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माय ऑर्डर सेक्शन पे चले जाना है। जाने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ा ट्रैकिंग दिखाई दे रहा है, पर अच्छे से ट्रैकिंग देखने के लिए आपको उसके ऊपर फिर से एक बार टैप कर देना है। फिर आपको मालूम पड़ेगा ये प्रोडक्ट कहाँ और कब तक आ जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप ज़्यादा फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन कमाना चाहते हैं तो आप दाई तरफ के वीडियो को देखें और मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देखने के लिए आप बाई तरफ के वीडियो पर क्लिक करें।